दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियां दे दिल दी धड़कन भुलेखा टीवी तुहाडा मनपसंद भुलेखा टीवी जो भुलेखा नहीं पाउंदा राय पाउंदा है ते उसे भुलेखा टीवी दे प्रोग्राम गलबात दे विच हाजर तुहाडी सेवा लई तुहाडा सेवक। अच्छा मैनूं तुसीं इह दसो, बड़ा खुल खुला के दसो, कभी कोई शह चेप के वेखी? लेवी नाल चेप लाओ, गूंद नाल चेप लाओ, गिलो नाल चेप लाओ, किसे शह नाल चेप लाओ, जिमें मकरातीस नहीं हुंदा वो लोहे चून खिचदा, शिउं करके खिचदा लोहे चून ते नाल चिपक जांदा, इहनूं कहिंदे ने चिपकना। ये पुराना जमाना नहीं, तुसीं वहीद मुराद के दौर दियां फिल्मां वेख लो, तुसी राज कपूर के दौर दी, नहीं नहीं राज कपूर शहरन दे ओ शरारती बंदा सी, शो बॉय जड़ा ना वो होर टाइप का बंदा सी, ग्रेट आदमी सी। कि तुसी अशोक कुमार दियां फिल्मां देख लो, प्रदीप कुमार दियां फिल्मां वेख लो कि यह हीरो आ रहा है, यह हीरोइन आ रही है, नेड़े होंदे ने, यह भी गीत गा रही है, यह भी गीत गा रही है। उन भावें गीत सोलो है या गीत जड़ा है वो एक करैक्टर गा रहा, हीरोइन गा रही है या हीरो गा रहा है, बड़े प्यार नाल नेड़े आते हैं, बड़े प्यार नाल नेड़े आते हैं। फिर की होंदा? फिर ये होंदा कि जदों चिपकन लगते ने कि उन्होंने चिपकन तो पहलों थलों एक गमला निकलता है, गमला भारी है छड़ो परा गुलदान लै लें, कि इधरों गुलदान आता और नाल ही हिलना शुरू हो जाता है, उसके पिछे पता नहीं लगता कि हीरो हीरोइन चिपके भी हैं या नहीं। गल बनी है ना कि एक बंदे ने कोई 50-60 वारी फिल्म वेखी, उन्हें कहा यार रौला की है फिल्म, तेनों तो जुबानी कलामी याद हो गई, एक फ्रेम याद हो गया, एक डायलॉग याद हो गया, तू फिल्म वेखनी नहीं छड़ी, एडी स्वादी फिल्म है। वो कहिंदा यार इधरों कुड़ी गा रही सी हीरोइन जड़ी है, इधरों हीरो साहब फुल गुलाब दा लैके वैलेंटाइन डे ते फिर रहे सन, वो नेड़े होंदे ने, यह गीत गा रही है वो इमोशनल होकर नेड़े हो रहा है, यह गीत गा रही है इमोशनल होकर नेड़े हो रही है, तो जो एन चिपकन का मौका आता दोनों का तो अगों गड्डी टप जाती। मैं जी 50-60 वारी यह फिल्म वेखी है वो इसलिए वेखी है कि उस्ताद जी कभी तो गड्डी लेट होएगी, इनू कहिंदे ने चिपकना। ये गल इसलिए करन दी की कहना तौफीक होई कि असी चिपकना भुल गए, मेरे ख्याल का मतलब तुसी किसी रोंग सेंस विच ना लिया जे, मैं सच्ची मुची जिहड़ी गल कर रहा वह चिपकन की गल कर रहा। ये गल इसलिए कर रहे हैं कि 1973 दे विच इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चली सी जिसनों कहिंदे ने चिपको मूवमेंट, यानी चिपकन वाली जिहड़ी है वह मूवमेंट सी। होया की सी? होया ये सी कि सरकार ने ये फैसला किया कि जंगलों की कटाई शुरू करती जाए, उत्तों जड़े उस स्टेट दे राजे महाराजे सन वो भी इस गल च बड़े इंटरस्टिड सन कि दरख्त वड्डो, पैह खटो ते खीसे भरो, खजाने भरी जाओ। तो वो गरीब औरतां जड़ियां कि उत्थों लकड़ चुकदियां सन चूल्हे गर्म करने लई, वो उन्हां लकड़ां तो महरूम हो रही सन। फिर दूजी वड्डी गल ये सी कि रुख वड्ढन दे नाल जिस किस्म की तब्दीली आती है माहौल दे विच वो बड़ी नुकसानदेह होंदी है, तुसीं उहनूं स्वाद नहीं लिया कि साढ़े टिंबर माफिया ने तड़ा तड़ दरख्त वड्ढे तो वह दरख्तों के जोड़े जंगल सन जड़े वो रड़े मैदान बनाते, जो ग्लेशियर पिघले, पानी आया, सैलाब आए तो समझो कि सारा कुछ ही डुब गया, सारा कुछ ही रुड़ गया। गल करन दा मकसद ये है कि जो उस स्टेट दे विच उन्होंने कोशिश की कि इत्थों जंगलों का सफाया करता जाए, कोई राजे महाराजे इंटरस्टिड सन कि दरख्त वढ़ते जा, फिर अगे वड्डी सरकार ने ऐसी कंपनियों नूं दावा दित्ती कि उस इलाके च आके डिवेलपमेंट करो। हुण डिवेलपमेंट करन लई जरूरी सी
कि वे रुख उ लगे हुए ने उन्हों जंगल जोड़ा है दरख्तों का वो जंगल का सफाया करते जाए। हूँ वो गरीब औरत जराहे रास्त इस चीज़ तो मुतासर हो रही सन उन्होंने आख्या गल तो नहीं हो सकती कि रुख तुम वढ़ के लै जाओ तो मौसमों की शिद्दत का मुकाबला असी करिए सारा कुछ तुम इतों समेट के लै जाओ तो रड़े मैदान से जो पानी आए तो रुड़ असी जाइए बस्तियां साड़ियां डुब जान मर असी जाइए साढ़े जड़े डंगर पशु ने उन्हों का कख ना रवे। तो हुण देख लो तुसीं जिहड़ा कि इस 2022 के हालिया सैलाब के 10 लख तो वध जड़े ने लाइव स्टॉक जड़ा उन्हों का खात्मा हो चुके है। उहदे दुध देने वाले जानवर सन उहदे गोश्त वाले जानवर सन कि असलों सारा कुछ जड़ा बेड़ा गर्क हो गया। बस्तियां वेख लो कि बूवियां दी किसी की चौखड़ नज़र आती है उतों तक पानी है तो कितने कोठे जड़े ने उहदा पता ही लगता कि किसी जमाने इत्थे कोठे भी सन पानी उन्हां दे उत्तों दी गुजर रहे। तुसीं हुण यू टर्न लवो वो वाला नहीं ए वाला ये वेखो कि जदों इंडिया दे उस इलाके दे विच सरकार ने डिवेलपमेंट दे नाते कंपनियां नूं ठेके दिते कि उत्थे जाके तुसीं इंडस्ट्री लाओ उन्होंने उत्थे जाके इंडस्ट्री लाओ तो उन्हूं थोड़ा जिहा सानूं जिहड़ा साडी इकानमी नूं फायदा दिओ या ये समझ लो कि जिहड़े विचले बंदे सन उन्हें कहा चलो दवानी जवानी असीं भी अंडरनीथ दा टेबल जिहड़ा वो वलेट के खिसे च पा लांगे। तो होया कि होया ये कि उत्थे एक मूवमेंट चली जिसनूं तारीख दे विच असीं कहने चिपको मूवमेंट कि उस चिपको तहरीक दे विच ये हुंदा सी कि यह दरख्त खड़ा बुढ़िया की करदियां सन एक दूजे दे हत्थ फड़ के चारों पासे आके दरख्त नाल चिपक जांदियां सन वो कहंदियां सन कि तुसीं यह रुख ना वड्डो या तुहाडे विच हिम्मत है तो यह रुख वढ के विखाओ। हालात इस किस्म के हो गए कि कंपनिया ने सरकार ने इन्ना क जुल्मो तशद्दुद वधाता जबरदस्ती दरख्त वढ़न का कि जिहदे नाल कंपनिया वाले भी शामिल सन तो उन्हां कंपनिया वालिया दे नाल जिहड़ा टिम्बर माफिया सी वह भी उन्हां विच शरीक सी। लेकिन उन्हां बाहिम्मत औरतों ने रुख नहीं वढ़न दिते। फिर एनवायरमेंट दे इस प्रोसीजर दे विच कम अज़ कम 6 तहरीकां ऐसियां उत्थे बनियां जिहड़ियां कि अजे तक भी चल रही ने और उन्हां तहरीकां दे विच औरतां सब तो अगे ने जिहड़े कि रुख नहीं वढ़न देंदियां। उह ज़माना गया कि असीं एक रुख कटदे सां ते कम अज़ कम 10 रुख उहदी थां लांदे सां। हुण ते जिहड़ा रुख वढ़िया गया बस वढ़िया गया पिछे कुछ नहीं हुंदा। जिहड़ा तुसीं जे ताड़ी रसाई होवे सरकारी रिकॉर्ड तक या डेटा तुसीं नैट तो कढ़ो तो तुहानूं लग पता जाएगा कि 1947 तो लैके 2022 तक हर छोटी दी छोटी जिहड़ी थां है भावें डिस्ट्रिक्ट लैवल दा है वह भावें जिहड़ी यूनियन कौंसल है वह भावें डिस्ट्रिक्ट कौंसल है शहर है पिंड है या कोई भी है उत्थे की हुंदा फोटो सैशन हुंदा वो साढ़े रंगे ही मुछा नूं वट दे के जांदे ने बूटा गड़े आ वही बटन डब शहर यार फोटो खिचाइए। अगो DOP साहब ने की करना फोटो खिंचना है तो अगले दिन अखबारों के अखबार फोटो छपी है कि जवान बूटा ला रहा है DC साहब बूटा ला रहे हैं SP साहब बूटा ला रहे हैं कौंसलर साहब बूटा ला रहे हैं MPA साहब बूटा ला रहे हैं सनेटर साहब बूटा ला रहे हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बूटे ला रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर बूटे ला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बूटे ला रहे हैं सदर बूटे ला रहे हैं बस बूटे ही बूटे ला रहे हैं। लगता है कि जिवें इत्थे बंदे घट हो जाने हैं तो बूटे बहुत लग जाने। उन्होंने गिनो कापी चुको कलम फड़ो तो लिखो कि 1947 के इस साल जो शजरकारी मुहिम हुई वो हर ज़िले के विच किन्ने बूटे लगे हर तहसील के विच किन्ने बूटे लगे यूनियन कौंसल की सतह पर जिहड़ा फोटो सैशन होया जिहड़ा अखबारों असीं वेखे है किन्ने बूटे लगे कि पिछले 75 सालों के विच इंज लगता है कि इन्ने क बूटे इस मुल्क दे विच लग चुके ने कि इत्थे 23 करोड़ बंदे नहीं रह सकते 23 करोड़ तो वध बूटे ऐसे होणगे कि बूटे नाल बूटा लगे होएगा
उन्होंने बूटियां नू जरा गिनो, जे तुसी कलम दे नाल नाल कागज़ फड़ के नहीं गिन सकते तो कैलकुलेटर ला लो, नो प्रॉब्लम। कि इन्ने क बूटे लग चुके ने कि कम अज कम जड़ा है ना कि असी बूटे बूटे हो गए हैं जड़ा है। लेकिन अमली तौर पर की है, बंदा आंदा बूटा फड़ के उधर नाल कोई जड़ा सरकारी दरबारी बंदा आंदा वह भी नाल बूटा फड़ के नाल खड़ो हो जाता, बूटा साहब लग गया, फोटो खिंची, फोटो अखबारों आ गई, लोगों का रोह पै गया कि बड़े इनवायरमेंटल जड़ा ने किस्म के लोग ने कि जेडे रुखों ना बड़ा प्यार करते हैं, इनवायरमेंट नाल बड़ा प्यार करते हैं, तो सानू इत्थे कोई भी माहौलियाती जिहड़ी तब्दीली है उहदा सारी जिंदगी सामना करना ही नहीं पैना। तुसीं इह दसो कि 47 तो लैके हुण ताईं जिहड़ी पिछली जिहड़ी इसलाब तो पहले दी जिहड़ी शजरकारी है उस वेले ताईं किन्ने क बूटे इत्थे लगे ने ते उह किधर गए ने? इस काम लई भावें तुसीं 007 नूं सद लो, भावें डॉक्टर वाटसन नूं फोन करो ते शरलाक होम्स नूं सद लो, भावें किसी होर बंदे नूं सद लवो, लेकिन तुहानूं कोई सबूत नहीं मिलेगा कि 47 तो लैके हुण ताईं जिहड़े बूटे लगे ने उह कित्थे गए, किधर गए, किवें गए ते क्यों गए। इस लई कि जदों फोटो सैशन हो जाता है उस तो बाद ना उन्होंने कोई पानी पाता, ना उन्होंने कोई ध्यान दिता, क्योंकि उस बूटे का काम उग गया कि बूटा चंगा भला जिंदा बूटा जड़ा एक धरती चो तुसी कढ़िया चाकी समेत जड़ा वो बूटा आया गड़िया फोटो खिंचे तो बूटा गैप। फिर क्यों होया? उत्तों पै जाते हैं टिंबर माफिया, किसी नहर किनारे चले जाओ, किसी दरिया किनारे चले जाओ। एक जमाना सी कि उत्थे इन्नी क छां हुंदी सी नहरां दे किनारियां ते दरियावां दे किनारियां ते कि दिल खुश हो जांदा सी, तुपनी थले जांदी सी, इन्ने रुख हुंदे सन, ते अज उह रुख किधर गए? अज नहर किनारे जाओ कि जिहड़े हिफाजती पुश्ते नहर दे लई जां किनारे जिहड़े बनाए जांदे ने उह रुख उहनां किनारियां नूं बचाउण विच अहम किरदार अदा करदे सन। उहनां झीलां होण, उह दरिया होण, उह नहरां होण, ते टिंबर माफिया ने उतरिया नाल मिल के ना बूटे छड़े, ना इनवायरमेंट छड़ी, तो उहदा नतीजा असी हालिया सैलाब की सूरत विच भुगत रहे हैं। तो होश सानू हुणे भी नहीं आनी, इसलिए कि 1958 के सैलाब तो शुरू हो जाओ 1988 के सैलाब तक, तो 1988 के सैलाब तो शुरू हो जाओ 1910 के सैलाब तक, तो 1910 के सैलाब तो लैके 2022 तक के सैलाब तक कोई समझ आई किसी ने? किसी ने ध्यान नहीं किया कि जड़ी अज कुदरती आफात का सानू सामना करना पै रहा है, यदा अगर दोबारा सानू मुकाबला करना पिया तो असी उहदे नाल किवें निबड़ांगे? तुसी अंदाजा लाओ साढ़े जड़े डैम ने उहदे कागज़ चुको, कागज़ तो मुराद ये नहीं किवें किसी नू जड़ा वो घरों चुको, वो कम नहीं जड़ा उहदे च, नैट तो चुक लो कि ये वेखो कि हर डैम दे विच ये चीज़ लिखी गई है कि हर 10 साल तो बाद इत्थे रेत कढ़ी जाएगी ताकि डैम जड़ा है वह मिट्टी नाल ना भरे ते पानी दी सतह जड़ी है वह खतरनाक हद तो उतां ना वधे। तो हुण मैं की दसां यार, मेरा तो उंज ही रोण नूं दिल करदा, मेरे को टिशू कोई नहीं, वरना मैं हुणे रो के पूंज के ते परां सुट दिंदा। कि एक तो असी डैम नहीं बनाए, उत्तों जड़े डैम बच गए ने समझो कि उन्होंने भी लिमिट पूरी होने वाली है, तो अज तक किसी प्यो दे पुत्र ने कोशिश नहीं की कि उन्होंने डैमों के विचों रेत कढ़ सके। लिहाजा होया की है कि ना नवे डैम बने, तो जड़े गिनती दे डैम जड़े साढ़े कोल दो हैं जड़ा उन्होंने रेत इन्नी उच्ची हो चुकी है कि वो पानी जड़ा कि पिछों आंदा है उस रफ्तार दे नाल आंदा है उस मुकदार दे विच आंदा है कि असी उस पानी नूं महफूज कर सकीए, लिहाजा उहदा नतीजा असी भुगत रहे हैं। तो अलमिया यह भी है कि वह साडे रंगे एवें फूफा बनाने लई ठुक बनाने लई शोर शोधाबाजी कह लो शोभबाजी कह लो कुछ कह लो, तुसीं लिबर्टी चौक चले जाओ साडे रंगे एवें खड़े होंदे ने ओए शहर यार कैमराइंग कर साड़ी फोटो खिंच, असी मोमबत्ती जला रहे, असी सिविल लिबर्टीज के लोग हाँ,
असी बड़े कॉन्शियस वाले लोग हाँ, असी बड़े ए लोग हाँ, तो वह लोग बड़े समझदार लोग हाँ, सीधी गल एवं समझ लो। ये किधर गई साड़ी समझदारी? साड़ी इस समझदारी ने बूटे गिने ने जड़े 47 तो लैके हुण तक जड़े गड्ढे गए सन, किधर गए? साड़ी इस समझदारी ने अज तक यह सोचा कि टिंबर माफिया ने जड़ा कि ग्लेशियर पिघल के जो पानी आता है, सैलाब जो आते हैं, उसकी राह में जड़े जंगल हायल सन, वो जंगल टिंबर माफिया ने किवें गायब किए ने, कि तवन के नाल माफ किए ने? माफ तो मुराद है कि किधर तवन के नाल गायब किए ने, कोई समझ नहीं आती। तो यकीन है मैनू समझ हुण भी नहीं आनी, इसलिए कि ना समझन की लोड़ है। वह कहता सानू की, कोई लावे ना लाए सानू की, यह हो रहा भलवाल जहाँ रुकना चाहिए सानू की, ये सानू की आला रौला जड़ा है ना, ये तुसी निकलो बाहर। जे नहीं निकलोगे तो फिर वेख लो यही हाल होना है जो हाल हो रहा है। तो साढ़े यहाँ उस चिपकू मूवमेंट के हिसाब की कोई मूवमेंट नहीं। अखबारों बड़े बड़े बयान आते हैं कि यह मौसमियाती तगीर ने अं करता, तो सानू बड़े बूटे गढ़ने चाहिए ने, सानू यह करना चाहिए, सानू वो करना चाहिए, पर होंदा कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रहा कि अज ही जाके लिबर्टी चौक के मोमबत्ती जलाव, फोटो खिचाव, अखबार छपन नहीं देव, और थले लिखा हो कि ये चिपकू तहरीक जड़ी है, यद असी ना कुछ होर रख दें, कि इस तहरीक के लोगों ने बूटियां नू बचाने दे लई बड़ा सैक्रीफाइस किया और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगे भी जड़ा कोई बूटा सी नहीं पटन देंगे। पटो, लोड़ है इंसान नू लकड़ां दी, पर एक दी थां कम से कम 5-7 बूटे तो ला दिया करो यार, या बूटे नहीं लभदे, या तुहाड़ी अपनी अकल दे बूटे कोई पुट के लै गया। उस दे लई भी लिबर्टी चौकस एक अद्धी मोमबत्ती, एक अद्धी लालटैन, एक अद्धा दीवा बालन की लोड़ है। गल निक्की जी यार, फरूका की बनेगा इस दुनिया का? मैनू तो कोई समझ नहीं, तुहानू है जे समझो तो समझाओ, कहानी बने लाओ। गल निक्की जी यार, फरूका की बनेगा इस दुनिया का? गल निक्की जी।